व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज आप देख सकते हो पीछे खड़े हैं हमारी R15 वर्जन 2। और इसके भाई अगले जो फ्रंट डिस्क ब्रेक हैं वो हो चुके हैं ख़राब, मतलब ख़राब इन द सेंस पूरे घिस चुके हैं डिस्क पैड जो है इसके, तो ब्रेकिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है। तो आज हम अपने डिस्क पैड जो है वो फ्रंट वाले चेंज करने वाले हैं अपनी R15 वर्जन 2 के। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं भाई, उनको पता नहीं होता कि किस टाइम पे हमें अपने बाइक के डिस्क पैड चेंज कराने चाहिए। कुछ मैकेनिक होते हैं भाई, उनको बोल देते हैं कि हाँ आप अपनी बाइक के डिस्क पैड चेंज करा लो और उनकी लाइफ होती है, बट फिर भी वो चेंज करवा देते हैं और आपका खर्चा बढ़ जाता है। बीइंग अ बाइकर आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपको अपनी बाइक के डिस्क पैड किस टाइम पे और कितनी परसेंटेज पे चेंज कराने चाहिए। तो मैं अभी अपने डिस्क पैड की कंडीशन आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अपने डिस्क पैड को खोलते हैं और खोलने के बाद आपको कंडीशन दिखाते हैं। बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास जो डिस्क पैड है वो लोकल है, क्योंकि ओरिजिनल यामाहा के मेरे को मिल नहीं पाए हैं। तो ये जो डिस्क पैड है ये मेरे को 100 रुपीज़ में मिले हैं, तो देखते हैं कितनी लाइफ रहती है। लास्ट टाइम भी मैंने लोकल डाले थे तो नियर अबाउट 8 to 9 months ईजिली रन हो गए थे, तो ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपको ओरिजिनल मिलते हैं तो ओरिजिनल डाल लीजिए, वो अच्छी बात है। अगर नहीं मिलते हैं तो लोकल भी अच्छे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले पुराने वाले को निकालते हैं, निकालने के बाद मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ कि कैसी कंडीशन हो रखी है। सो गाइज देख सकते हो इनकी कंडीशन, यहाँ से तो आपको देखो ठीक ठाक लग रहे होंगे, बट मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। तो साइड से देख रहे हो नीचे वाला हिस्सा जो है वो पूरा कम्प्लीटली घिस चुका है। ये देखो यहाँ पे, देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे शूज़, मतलब यहाँ पे मटेरियल अभी है बट नीचे की साइड जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो देख सकते हो इसी तरह से हमारा ये वाला भी है, तो ये भी बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, देखो कितना पतला है। और मैं अभी आपको नए वाले दिखाता हूँ, देखो ये रहा हमारा न्यू डिस्क पैड। देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे मटेरियल लगा हुआ है और इसकी आप देख सकते हो मोटाई कितनी ज़्यादा है। और वहीं पे हमारा पुराना वाला है, आप देख सकते हो बिल्कुल घिस के पतला हो चुका है। सो मैं आपको देखो कंपैरिजन दिखाता हूँ दोनों में, तो आप कंपैरिजन देख लो भाई इसका कितना ज़्यादा मटेरियल लगा हुआ है इस वाले डिस्क पैड का, और राइट साइड में जो हमारा ओल्ड वाला उसका। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई जितना आपका मटेरियल है, आप एक तरह से एक एवरेज आइडिया ले सकते हो, जब आपका मटेरियल बिल्कुल ख़त्म होने को हो तब आप चेंज कराएं। और अभी आप देख सकते हो इस साइड से इसमें है, बट ये किसी काम का नहीं है क्योंकि ऊपर की साइड जो है वो हमारी घिस चुकी है, यानी डिस्क पैड बिल्कुल यहाँ से फेड हो चुका है। तो अब हमें चेंज करने ही करने हैं। आपको आइडिया मिल गया होगा कि हाँ आपको अपने ब्रेक, आपको अपने डिस्क पैड की परसेंटेज देखनी है कि हाँ कितने 25-30% अगर बचे ना तो उस टाइम पे बस चेंज करा लो। अदरवाइज़ अगर आपके 50 से ज़्यादा बचे हुए होते हैं तो भाई उनको अभी यूज़ करो, क्योंकि इतनी जल्दी डिस्क पैड ख़राब नहीं होते हैं। और हाँ ज़्यादातर ये रहता है कि आप किस टाइप से ब्रेकिंग को यूज़ करते हैं, ज़्यादा अप्लाई करते हो तो ज़्यादा कंज्यूम होंगे, नॉर्मली यूज़ करते हो तो आपके डिस्क पैड की लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अभी न्यू वाले भाई इंस्टॉल करते हैं, फिर ब्रेकिंग चेक करते हैं कि हाँ कैसी ब्रेकिंग आ रही है। तो काफ़ी टाइम से इसको यार चेंज नहीं किया है हमने, तो आप कैलिपर की कंडीशन देख सकते हो, रस्ट आ गई है काफ़ी जगह पे, और मेनली ये वाला जो हमारा होता है और ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, बट इस पर आप देख सकते हो रस्ट आ गई है। और ये ग्रीस जो है यहाँ पर ऑयल लगा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ था मेनली, तो वो भी सूख के ड्राई हो चुका है, जिसकी वजह से ये इस तरह से वर्क करता है पिस्टन के अंदर अंदर बाहर, जब हम ब्रेक पुश करते हैं तो ये बाहर आ जाता है फिर ये वापस अंदर आ जाता है। तो ये भाई जाम चल रहा है, इसकी वजह से ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। तो अपने जो कैलिपर है उसको भी अच्छे से क्लीन करते हैं, देखते हो सारी जगह को अच्छे से क्लीन करेंगे, और जब खोल ही रखा है तो इसको भी अच्छे से क्लीन करके फिर न्यू वाले जो डिस्क पैड है ना ये वाले, इनको इसके अंदर फिट करेंगे। तो भाई फिटिंग हो चुकी है पूरी, हमने कैलिपर भी फिट कर दिया है और डिस्क पैड भी चेंज कर दिए हैं। तो अभी भाई प्रेशर देख रहे हो बिल्कुल चला गया है, बट अभी ये जैसे जैसे हम इसको प्रेस करेंगे ये आ जाएगा, और ये प्रेशर आ चुका है। बाकी जैसे जैसे चलेगा तो प्रेशर और भी बढ़ जाएगा इसका। तो अभी ना इसको चेक करके देखते हैं क्या स्टॉपिंग पड़ रही है, क्या ब्रेकिंग है। अभी तो बहुत कम ब्रेकिंग आएगी क्योंकि न्यू ब्रेक पैड्स हैं हमारे, यानी न्यू डिस्क पैड है, तो न्यू डिस्क पैड में ना इतनी जल्दी ब्रेकिंग अच्छी आती नहीं है। जैसे जैसे थोड़े थोड़े वो घिसेंगे, इसके ऊपर की जो कोटिंग होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर देखना कितने बढ़िया से ब्रेकिंग आती है। तो अभी पहले चेक करते हैं। तो गाइस ब्रेक जो है वो हमारे कम्प्लीटली अच्छे आ रहे हैं, मैंने अभी इसको राइड किया था और बढ़िया ब्रेकिंग, प्रेशर भी देखो बिल्कुल ठीक हो चुका है और ब्रेक्स भी सही आ रहे हैं। तो भाई आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इसकी अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, अगर कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट मस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।